हेलो दोस्तों, लास्ट माइल अप्रोच के इस यूट्यूब हिंदी चैनल पर आपका स्वागत है। आइए देखते हैं टॉप 5 एमसीक्यू सीरीज जो कि यूपीएससी और यूपीपीएससी 2022 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी विशेष मतदाता सूची में शामिल होने का दावा करने के लिए अपात्र होने का वर्णन किया गया है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 321, ऑप्शन बी अनुच्छेद 323, ऑप्शन सी अनुच्छेद 325, ऑप्शन डी अनुच्छेद 327। और इसका सही विकल्प है ऑप्शन सी अनुच्छेद 325। बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। भारत के जनजातियों के संबंध में सही विकल्प का चयन करें। एक तरफ जनजातियां दी हुई हैं, दूसरी तरफ ये कहाँ स्थित हैं, किस संघ राज्य क्षेत्र या राज्य में स्थित है ये बताया गया है। हक्की पिक्की जनजाति कर्नाटक में स्थित है। जी हाँ, सही मिलाया गया है। शोम्पेन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। जी हाँ, यह भी सही मिलाया गया है। हलम त्रिपुरा में स्थित है या पाए जाते हैं। जी हाँ, यह भी सही है। इसलिए ऑप्शन सी सभी सही सुमिलित हैं। बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर। ऊन के उत्पादन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, विश्व में ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश ऑस्ट्रेलिया है। जी हाँ, सही है। दूसरा, चीन ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के बाद तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। दूसरा स्टेटमेंट गलत है क्योंकि यहाँ पर चीन दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ऊन उत्पादक देश है ऑस्ट्रेलिया के बाद। तो यहाँ पर हमें गलत विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन बी केवल दूसरा ही गलत है। चौथा प्रश्न, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ या सार्क के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। या दक्षिण एशिया में एक क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन और राज्यों का भू राजनीतिक संघ है। जी हाँ, पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, म्यांमार भी सार्क का सदस्य राज्य है। दूसरा स्टेटमेंट गलत है क्योंकि म्यांमार इसका मेंबर नहीं है सार्क का। यहाँ पर हमें गलत विकल्प का चयन करना है। यहाँ पर ऑप्शन बी केवल दूसरा ही गलत है। बढ़ते हैं अपने पांचवें प्रश्न की ओर। गुरु गोविंद सिंह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, वे पटना साहिब बिहार में पैदा हुए 9वें सिख गुरु थे। पहला स्टेटमेंट गलत है क्योंकि वे 9वें नहीं, गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के 10वें गुरु थे। दूसरा स्टेटमेंट, सिख धर्म में उनका सबसे बड़ा योगदान, 1699 में खालसा के नाम से जाने जाने वाला योद्धा समुदाय का गठन था। जी हाँ, दूसरा स्टेटमेंट सही है। तीसरा, गुलेर की लड़ाई 1696 द्वारा उनके नेतृत्व वाली सेनाओं और शिवालिक पहाड़ियों के राजाओं द्वारा सहायता प्राप्त मुगल सेनाओं के बीच लड़ी गई थी। यहाँ सेकंड स्टेटमेंट सही है। यहाँ पर हमें गलत विकल्प का चयन करना है। तो ऑप्शन ए केवल ए ही गलत है। थैंक्स टू ऑल व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर ऑफ आवर लास्ट माइल अप्रोच यूट्यूब हिंदी चैनल। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट आवर इनिशिएटिव।